कलाहांडी जिलार भतापाणी और डुमरपाणी ग्राम रुवा 40 परिवार उपरे होईछि मरणात्मक आक्रमण। मरणात्मक आक्रमण भयरे जंगल रे आश्रय नेले ग्रामवासी। कलाहांडी जिला आंबपाणी थाना अंतर्गत गोतेमुंडा ग्रामवासी एभली नृशंस कांड घटाइथिबा अभियोग होईछि। आक्रमणर शिकार होता ग्रामवासी माने जीवन बचाइवाक नवरंगपुर जिला चंदहांडी ब्लॉक कुहुड़ी पंचायत कुआंबा प्राथमिक विद्यालय रे आश्रय नेइछंती। किछि परिवार भयभीत हो चंदहांडी जंगल भितर पॉलीथिन टांगी रही सूचना मिली। तेरे ग्रामवासी मैंने बहु वर्ष धरी कलाहांडी जिला साहजखोल जंगल भत्तापाणी और डुमेरपाणी ग्राम रही आसुले तेरे से स्थान को छाड़ अन्य जगह को जीवा बारंबार गत मुंडर ग्रामवासी चाप पका। तेरे ग्रामवासी मैंने स्थान न छाड़ गत 30 तारीख दिन गतमुंडा ग्राम हेमंत माझी नेतृत्व में शताधिक ग्रामवासी मरणात्मक आक्रमण करते और ग्रामवासी को जरूरी कागजपत्र चिरीबा सहित टंका पैसा सुना छुड़ाई नहीं। केवल से नुहे छेली मेंढा सबुक हत्या करते। एपटे भयभीत हो ग्रामवासी से स्थान छाड़ चंदहांडी जंगल को पलाय आसी। तेरे चंदहांडी केतेक समाजसेवी और कांग्रेस नेता खेमराज बाग ग्रामवासी को न्याय पर दाबी करने कलाहांडी जिला आंबपाणी थाना एक लिखित एतला देते। आज चंदहांडी वीडियो धर्मराज माझी समस्त परिवार को भेटी 7 दिन रिलीफ बंटन कर तार बदल रे केंद करे से अंटरो नला ने माकर दिया सेटी से काय का तेवा काय मानस अखिल बोली कि कोले धर्मगढ़ तार संग मिसी करी सेटी गोठ मास आ के 40 गज कटेले बिना मूल्य रे खाली 12टा बेल मुठे भात दे राती रासी भूखे सोय कर रेले खाइबा सेटा गला पछे चास करी कर आज काम ई तान रिकर कोड़े वर्ष हैला गला वर्ष गोड़ तोरी चास समय आसी करी कोड़े 30 लोक आसी करी कोले कि तुम भागो भागो नहीं हम तो चास बस करी तो हम जेंट कर गरीब लोग चास लगे हम जमी काट लो हमके जमी काट लो जके गज कुट के हम विरोधी की बोली से टपे और आई बस चास कर नहीं हमें तो जाय जुगे तीन जीवी रो बोल कर आसी तू बोलवा रूबे सीधा केते गंडगोल कर ली गोली मारपीट नहीं करी गला वर्ष आई वर्ष मास के मास आसी कर आई गया भागो भागो एले हम केनता कर हम तो जमी बोली कर सेवन कोले आधार भी आधार दी देले सेटा लगे चास करू 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 आई गया ई गला बुधवार गुरुवार ई समय रे आम को आसी करी 30-40 जन आसिक पूरा खाली मांडा खादी कर घर छक सब भांगी दे जिते खत पत आनी पूरा काटी कर क्या लगे सीटा आम जान जिते कुकड़ा बकड़ा थी सीटा भी मारी सब पूरा धरी गले टेगिया कुड़ा सब कुछ नेले किसी नहीं हाथ घटा पाणी रे भी दुईटा मारी से जंगल आम रोड बोलिकर काटलु नहीं गत मुड़ा तो डेमा से जगार से काट मन गंडी गंदी गुचेल से काट के नहीं कर घरे 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 आ रही 8 दिन 15 दिन काट मन भी छिरी देलु आज्ञा से भी पैसा दे बोला 200 टका दम 40 लोग आदरी बोली करी सेटा भी दिया ना है आज्ञा। नमस्कार तुम ना के ना गो तोइलो क्या टाइ छे असला यार तो कत के बीच देले आज्ञा कत के नहीं बीचा कत काय करला हम से ना करलु बोली कत के बीचा नहीं बीचा बोल बोल आम के तो मार ले जुआर पार कर केन केन मार ले गाड़ पोरस्टर में तो मार सो माँ भून के सब के मार ले सब के मार ले मोर चुआ के भी सुवाई रही बीतरे वाली कर मारते रहे मोना जेमा बत्रा हाँ तो मैं क्या हाल आज ऐसी करी आम पानी कुआं बगार रुचो जमी लगे तो हसुचे पेला चुआ बसवाई अरे से मन तो खाली बुधवार दिन आसते और खत मन को बेचीते कहीं मुई नमस्कार कर बीच मुझे खत के बीच नहीं बोलते कहला को से मन बस पर बल लार मांड मन देले इट बाट मार लार मोर पेला चुआ को बेस मार देवे मांड दे से मके भी तो बेस मार ला मक जर कहीं कहला से मोर मुई 5,000 टका संगे रही मो 5,000 टका पर नहीं गले मोर सुना भी मुई रखी थी सुना भी नहीं गले और मोर घर पुड़िया सब को मोर पोटी कपड़ा सब को जत कत कर दे लेगा केनती करे भी मोर मोर चौल साग सब को तो फिकी दे ले मके भी मार ले मके भी मार ले मके भी मार ले मुन्ना खेमराज बाग पीसीसी सेक्रेटरी
ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଖାପାଖି 20 ବର୍ଷ ତଳେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଝରିଗାଁ ଅଞ୍ଚଳ ରାମସା ଅଞ୍ଚଳର ପାଖାପାଖି 50ଟି ପରିବାର, ସର୍ବହରା ପରିବାର, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ଜମିବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସୀମାନ୍ତ ଆମର ସାଜପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ଘରଦ୍ୱାର କରି ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସରକାରୀ କେସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଫରେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ପରିତାପ ବିଷୟ, ଗତ 29 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଦମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଯୁବକ, ଯିଏକି ହେମନ୍ତ ମାଝୀ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ହେମନ୍ତ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେ ଦୁଇଟା ସାହିକୁ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ମଣାସ୍ତ୍ର ଧରିକିରି ଆଉ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଉପରେ ତାଙ୍କର ଉପରେ ଜୁଲମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳିକି ଦୁଇଟା ସାହିର ଯେଉଁ ଘର ଦ୍ୱାରା ସେ ସବୁ ଛିନ୍ଛତ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳିକି ଲୁଣ୍ଠନ ଡକାୟତ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା କ୍ଷତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଦେଖିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଜୁଲମ ହେଉଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ସାହିକୁ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ନେଇପାରିବେ। ଆଜି ଦୁଇଟା ସାହିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମର ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିଛୁ। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 2 ରାତି 2 ଦିନ ହେବ ବର୍ଷା ରାତିରେ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଆମପାଣି ଥାନାରେ ସେମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରି ଆମପାଣି ଥାନାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ଲିଖିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ସେ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରବର୍ଗ ଇତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଚିତ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାନଯାଏ ତାହେଲେ ଆମ କଳାହାଣ୍ଡି ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ଦେବୁ। ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାମ୍ କରିବୁ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଉମରକୋଟର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।